नमस्कार दोस्तों, सराधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिष विद योग बासशास्त्री। मित्रों, सन 2024 मीन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, इस विषय पे हम पूरी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि विवाह की क्या स्थिति रहेगी, नई जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या जॉब में प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, आपके व्यवसाय को ऊंचाइयां प्राप्त होंगी कि नहीं, जो पहली बार नया कुछ करना चाहते हैं उनके लिए कैसा रहेगा। साथ में हम बात करेंगे कि आपके जीवन के सपने, घर, गाड़ी, ये सब चीजों के लिए साल कैसा जाने वाला है। आप लोन लेना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, स्टूडेंट नई तैयारी में लगना चाहते हैं, उन सभी चीजों पे हम पूरी बात करेंगे। और हम अंत में बात करेंगे कि क्या रेमेडी की जाए, उपचार की जाए, जिससे जीवन भर ही नहीं, केवल इस साल ही नहीं, पूरे जीवन चीजें बेहतर रहे। सबसे पहले मीन राशि। मीन राशि 12 नंबर की राशि है, सबसे अंतिम राशि है। इसके स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। इस कारण से इनमें धर्म, निष्ठा और सही का साथ देने की एक आदत होती है। ये लोग अपने घर से दूर निवास करते हैं और दूर जाने के ही बाद इनका बड़ा विकास देखा जाता है। ऐसे लोगों को सहज विदेश की यात्राएं या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका मिलता है। ऐसे लोग बड़ी कंपनियों में जुड़कर बड़ा नाम करते हैं। जीवन में ये होटल का धंधा कर सकते हैं या कोई बड़ी कंपनी वगैरह लगाना चाहते हैं, जिनके लिए यह बेहतर राशि होती है। और यही नहीं, ऐसे लोग अंदर से धार्मिक होते हैं। यहाँ पर धार्मिक का तात्पर्य किसी कर्मकांड से या कुछ दिखावे से नहीं है, इंटरनल इनके अंदर एक पवित्र फीलिंग होती है। इस कारण से कई बार इनकी दी हुई सलाह से लोग काफी आगे जाते हैं, लेकिन कई बार इनके मन में आता है कि ये सलाह हमको उतनी फायदा खुद के लिए नहीं करती जितना हम दूसरों के लिए करते हैं। कारण क्या है? धनु राशि को मोक्ष की राशि कहा जाता है। इस कारण से जीवन में थोड़ा सा कई बार रुकावट, स्ट्रगल देखा जाता है, लेकिन आप देखेंगे आपके आसपास हमेशा सुख सुविधा मौजूद रहती है, जिसका आप जब चाहते हैं उपभोग भी कर सकते हैं। और कई बार आपके मन में होता है कि जो हम खुद से करें उसी का हम ज्यादा से ज्यादा भोग करें। अब आइए बात करते हैं कि सन 2024 में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। बोर्ड पे अंकित है राहु आपके लग्न में, अर्थात राशि में, मीन राशि में वर्ष के प्रारंभ में विराजमान है। वहीं आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति दूसरे घर में विराजमान है। चंद्रमा वर्ष के प्रारंभ में छठे घर में विराजमान है। केतु सप्तम में है और शुक्र और बुध नवम भाव में, सूर्य और मंगल दशम भाव में, शनि को द्वादश स्थान अर्थात 12th हाउस में देखा जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लग्न की। लग्न पे राहु का बैठना मीन राशि में थोड़ा कम अच्छा माना जाता है। इस कारण से आप अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका एक सबसे अच्छा तरीका होगा कि अपने घर से दूर रहिए। दूर जो लोग रह रहे हैं, जैसे विदेशों में है या अपने घर से 200-300 या कुछ भी दूरी पे है, उन लोगों के लिए ये राहु नुकसान न करके फायदेमंद होगा। नहीं तो जो घर पे हैं, अपने मूल निवास पे हैं, उनके लिए थोड़ा सा घर में एक दूसरे से वैचारिक मतभेद, विवाद होना प्रॉपर्टी को लेकर, या कौन किसको नीचा दिखा दे, इस तरह की कुछ समस्याएं इनके जीवन में देखनी पड़ सकती हैं। साथ में हेल्थ में भी थोड़ा सा इन्फेक्शन, एलर्जी के चांसेज इस स्थान पर बैठे राहू के नाते रहेगा। और गुरु की अगर बात करें, दूसरे घर में जाके गुरु बैठे हैं। गुरु दूसरे स्थान के कारक हैं। यहाँ पर जब गुरु बैठेंगे तो आपको जीवन में, अर्थात इस वर्ष 2024 कालखंड में, आपको खूब धन की आमदनी का संकेत देते हैं। साथ में थोड़ा सा परिवार के लोगों में स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है। किसकी आ सकती है? जैसे आपके घर में आपके बच्चे हैं या लाइफ पार्टनर हैं, उनके स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता आपको हो सकती है। आपकी दी हुई सलाह इस वर्ष तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और आप लोगों को अगर टीचिंग देते हैं या कुछ पढ़ाते या सिखाते हैं, तो वह आपका सिखाया हुआ उनके पूरे जीवन के लिए एक बड़ा लेसन बन सकता है।
अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा सिक्स हाउस में वर्ष के प्रारंभ पे बैठे हैं। ऐसे तो चंद्रमा बदलते रहते हैं, लेकिन प्रारंभ में सिक्स हाउस में चंद्रमा होने के नाते कहीं ना कहीं से पीछे जो आपने कर्ज लिया है या कुछ वादे किए हुए हैं या आपके साथ किसी ने कोई पार्टनरशिप की है उसको लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है। लेकिन बृहस्पति का सेकंड हाउस में बैठना ये दिखाता है कि इस समस्या के समाधान किसी न किसी रूप में आपके पास आ जाएंगे और आपको हेल्थ की भी थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन इस चिंता को भी बृहस्पति सेकंड स्थान में बैठकर थोड़ा कम करेंगे। लेकिन खाने पीने का ध्यान रखिएगा। मैंने देखा है मीन राशि वाले जल्दी फैट को गेन कर लेते हैं, जल्दी वो मोटे दिखने लगते हैं, जल्दी से उनकी थाई में उनके कमर में ज़्यादा से ज़्यादा फैट आने लगता है। तो खाने पीने का ध्यान रखिएगा। लिक्विड चीज़ें अगर आप लेते हैं तो आपके लिए सबसे बेटर होगा। वैसे भी मीन राशि जल तत्व की राशि है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ही आप भोजन लें और सनसेट के बाद बड़ा हल्का लाइट भोजन आप करें तो आपके लिए काफ़ी शुभ होगा। आपके लिए हल्की चीजें बहुत फायदेमंद होगी। अब हम बात करते हैं अगले प्लैनेट की, बुध और शुक्र की। बुध और शुक्र आपके नवम भाव में बैठे हैं, तो धर्म को एक अच्छे रूप में देना, घर को सजाना, पूजा स्थल को एक शुभ रूप देना आपको कहीं ना कहीं पसंद होता है। तो कहीं ना ये चीजें इस वर्ष आपके अंदर देखी जाएंगी। तो इसका कहीं ना कहीं संकेत है कि घर में छोटी मोटी पार्टी या कोई उत्सव होने का अवसर रहेगा। चाहे वो घर में कोई नई चीज खबर आए या नई कोई संतान आए तो वो आपके घर को कहीं कहीं से इम्पैक्ट डाल सकता है। सूर्य और मंगल का दशम भाव में बैठना ये बड़ा अच्छा। धन आएगा तो कहीं ना कहीं से काम या व्यवसाय में आपको प्रोग्रेस मिलेगी। मंगल और सूर्य का वर्ष प्रारंभ में यहाँ बैठना इस बात की गारंटी देता है कि आप अपने पौरुष से चीजों को गेन करेंगे, आप अपने पौरुष से चीजों को अच्छे से आगे ले जा पाएंगे। और यहां पर बैठा मंगल और सूर्य आपको इस बात की गारंटी देता है। लेकिन एक समस्या रहती है कि माता या पिता में किसी के स्वास्थ्य की लेकर चिंता हो सकती है या आपके उनके साथ थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। शनि की बात करें, शनि आपके एकादश भाव में जाकर बैठे हुए हैं। एकादश भाव में जब शनि बैठे हुए हैं तो शनि न्याय के कारक हैं। तो आपने अगर अपने स्वास्थ्य के साथ बेईमानी की होगी, अर्थात खाने पीने एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दिया होगा, तो सन 2014 में 24 में आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इसका एक सरल तरीका होता है, पहले तो आदतें अपनी ठीक कर लीजिए। दूसरी चीज, किसी को हॉस्पिटल में मिलने जाए तो उसके खाने पीने के लिए कुछ फल वगैरह और कुछ ऐसे फल जैसे कीवी वगैरह है जो आप उसके लिए ले जाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा और आपका जाना भी हो जाएगा और जो निगेटिविटी है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यहाँ पर बैठा शनि आपको लंबी यात्रा और विदेश यात्रा भी दे रहा है। इस वर्ष आप अगर कहीं दूर की यात्रा, लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब मेन विषय पे आते हैं कि रिलेशनशिप की क्या स्थिति रहेगी। केतु का सेवेंथ हाउस में बैठना और राहु का देखना कहीं न कहीं से रिलेशनशिप को थोड़ा पीड़ा दे रहा है। तो जो लोगों का रिलेशनशिप थोड़ा खराब है, वो पहले से खराब आ रहा है, केतु बैठ भी गया है, तो कहीं ये दोनों योग मिलकर आपकी कुंडली में अगर जरा सा भी निगेटिव योग रहा तो चीजें ज्यादा खराब हो सकती हैं, डायवोर्स तक आ सकता है। कुछ लोगों के जीवन साथी को हेल्थ की दिक्कत आ सकती है, ऑपरेशन वगैरह की होने की संभावना है। अब विषय उठता है कि ये सारी निगेटिव चीजें दिख रही हैं, कहीं पे आपका रिलेशनशिप बनने वाला था, रिश्ता बनने वाला था, लेकिन उसमें भी कारण समस्या बन रही है। तो ये सारी दिक्कतें अगर आ रही हैं तो किया क्या जाए जिससे चीजें बेहतर हों। सबसे पहले केतु का उपचार है कि आप दो रंग वाले कंबल जो है, छोटे बच्चे जो कहीं पे पढ़ाई करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास पढ़ाई का पैसा नहीं है, किताब नहीं है, ठंड है, तो उनको कंबल, बुक्स और पेन वगैरह अगर आप उनको देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक होगी और आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। एक उपचार और करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अगर आप करें तो बेहतर है, नहीं कर सकते हैं तो आप सुनिए। अगर आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में
रिलेशनशिप से संबंधित समस्या धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं घर और गाड़ी की। घर और गाड़ी की स्थिति बड़ी अच्छी रहने वाली है, आपको कहीं न कहीं से एक सुंदर घर और गाड़ी। और मैंने देखा ज्यादातर इन लोगों के पास दो साधन होते हैं, चाहे छोटे ही बड़े हों, लेकिन दो साधनों का संयोग बनता है। और जमीन और घर में भी यही स्थिति कायम रहती है। 30 वर्ष घर और गाड़ी के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। लोन वगैरह अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसको मिलने में भी दिक्कत नहीं आएगी। चिंता की बात की जाए तो स्वयं के स्वास्थ्य और लाइफ पार्टनर को लेकर थोड़ी चिंता इस वर्ष देखी जा सकती है। उपचार की दृष्टि से देखा जाए तो विष्णु सहस्रनाम, गणेश अथर्वशीर्ष या आप अपने जीवन का एक आधार बना लीजिए, इसको बराबर आप करते रहें तो आपके लिए काफी शुभ होगा। काले रंग से आपको बचना चाहिए, ग्रीन और येलो कलर आप अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुंडली दिखाना हो, वास्तु के बारे में जानना हो या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं, अपनी क्लास के लिए समय निश्चित कर सकते हैं। आप अपने लिए कुंडली दिखाने के लिए भी टाइम हमसे ले सकते हैं। नमस्कार, सदाधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।